वेलकम टू आवर YouTube चैनल लर्न विद आशीष। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। वीडियो अगर हमारी पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिस प्रकार पार्टनर का एडमिशन होता है, ठीक उसी प्रकार कुछ कारणों से पार्टनर रिटायर हो जाता है। दैट मीन्स टू लीव द फर्म बाय पार्टनर, वो फर्म को छोड़कर चला जाता है। ए पार्टनर मे आल्सो लीव द पार्टनरशिप फर्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर मे फॉर्म ए न्यू एग्रीमेंट टू कंटिन्यू द बिजनेस ऑफ फर्म। एक साझेदार साझेदारी फर्म को छोड़कर चला जाता है, जो बाकी बचे हुए साझेदार हैं वो एक नया एग्रीमेंट करते हैं, एक नया समझौता करते हैं, जिसके तहत वो साझेदारी व्यवसाय को, साझेदारी फर्म को चालू रखते हैं। देर में भी वेरियस रीजंस, बहुत से कारण हो सकते हैं रिटायरमेंट के पार्टनर के। म्यूचुअल डिस्प्यूट हो, इनकैपेबिलिटी ऑफ हेल्थ ग्राउंड, स्वास्थ्य सही नहीं रहा इस कारण से, ओल्ड एज हो गई, इस प्रकार के कुछ कारण हो सकते हैं। एक पर्सन, एक व्यक्ति, एक पार्टनर अगर मर जाता है तो कंपलसरी रिटायरमेंट हो जाती है फर्म से। ए पार्टनर मे रिटायर इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस, और क्या परिस्थितियां हैं जिसमें वो रिटायर हो सकता है। बाय रिटन एग्रीमेंट, वो लिखित में समझौता कर ले पार्टनरशिप से रिटायर होने का, फर्म से रिटायर होने का। या एक पार्टनर की मृत्यु हो जाए तो वो फर्म का पार्टनर नहीं रहता, कंपलसरी रिटायरमेंट उसकी हो जाती है। एक पार्टनर इनसॉल्वेंट हो जाता है, उसका दिवालिया निकल जाता है, वो फर्म का पार्टनर नहीं रहता। इन परिस्थितियों में एक पार्टनर पार्टनरशिप फर्म को छोड़ देता है, उसको त्याग देता है। कैसे हम रिटायरिंग पार्टनर को क्या अमाउंट देनी है, उसका क्या पैसा देना बनता है, वो निकालते हैं। ए डेफिनेट अमाउंट इज टू बी पेड टू द रिटायरिंग पार्टनर, एक डेफिनेट अमाउंट उसको पे की जाती है। उसमें उसकी कैपिटल, उसका गुडविल का हिस्सा, प्रॉफिट शेयर, रीवैल्यूएशन पे एसेट एंड लायबिलिटी के उसमें उसका हिस्सा, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ले रखी है तो उसमें उसका हिस्सा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, लॉस है, रिजर्व है, उसमें उसका हिस्सा। तो इसके लिए हमें क्या क्या एडजस्टमेंट इसमें करनी पड़ती हैं। सबसे पहले हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी होती है। गेनिंग रेशियो, जो रिमेनिंग पार्टनर है उन्होंने कितना उसके हिस्से को अपने में ऐड किया, कितना उन्होंने ग्रहण किया, उनकी गेनिंग रेशियो। गुडविल की एडजस्टमेंट करनी होती है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। रीवैल्यूएशन है एसेट एंड लायबिलिटी का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस है उसको करना है एडजस्ट। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में उसका हिस्सा एडजस्ट करना है, तो अमाउंट उसकी निकालनी है कितना उसको देना है। और उसके बाद हो सकता है न्यू शेयरिंग रेशियो में और रिमेनिंग पार्टनर की कैपिटल को एडजस्ट करना। ये एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती हैं जब एक पार्टनर रिटायर होता है, तो वन बाय वन और फिर ज्वाइंटली हम इनको डिस्कस करेंगे। पहले हम डिस्कस करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाइज, जब एक पार्टनर रिटायर हो जाता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, देन द नंबर ऑफ पार्टनर रिड्यूस इन द फर्म, साझेदारी फर्म में जो पार्टनर्स की संख्या होती है वो कम हो जाती है, तो जो बचे हुए साझेदार हैं उनका हिस्सा बढ़ जाता है। ओल्ड पार्टनर शेयरिंग रेशियो हैज़ बीन चेंज, और वो उसमें बदलाव हो जाता है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करनी पड़ती है। ऐसे करते हैं, एग्जाम्पल से देखते हैं। ए बी सी एक फर्म में पार्टनर हैं, लाभ हानि को
5:4:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है यदि ए रिटायर हो जाता है, बी रिटायर हो जाता है और सी रिटायर हो जाता है। तो कैसे हम निकालेंगे देखते हैं। अगर ए फर्म से रिटायर होता है तो नई रेशियो के बारे में कोई जिक्र नहीं किया, रिमेनिंग जो रेशियो बच जाएगी बी सी की वो होगी 4:1। तो क्या थी, 5:4:1 थी। ए रिटायर हो गया तो जो रेस्ट बच गई 4:1 वो बी सी की न्यू रेशियो होगी, यदि क्वेश्चन में कुछ और नहीं कहा गया है तो। फिर कहता है बी रिटायर हो गया तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच जाएगी 5:1। तो बी और सी की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 5:1। सी रिटायर हो जाता है तो ए बी के बीच की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच गई 5:4। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी ए और बी के बीच की 5:4। इस प्रकार से हम निकालेंगे। अन्य परिस्थिति क्या है तो देखते हैं। एक्स वाई जेड पार्टनर है एक फर्म में, प्रॉफिट एंड लॉस को 3:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक्स रिटायर हो जाता है तथा वाई और जेड उसका हिस्सा 2:3 में एक्वायर करते हैं, रिसीव करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालनी है। तो एक्स के रिटायर होने पे वाई जेड उसका हिस्सा 2:3 में एक्वायर करते हैं, दैट इज ये उनकी गेन रेशियो है। तो एक्स का जो हिस्सा है वो वाई और जेड में 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो वाई का गेन क्या आया, जेड का एक्स का हिस्सा था 3:6, उसको 2:5 मिलेगा वाई को, तो वाई का गेन आ गया 6:30। जेड का गेन एक्स का हिस्सा था 3:6, उसका 3:5 जेड को मिलेगा, तो जेड का गेन आ गया 9:30। अब एक्स वाई के ओल्ड शेयर में उसके गेन को ऐड कर देंगे और जेड के ओल्ड शेयर में उसके गेन को ऐड कर देंगे तो नई रेशियो आ जाएगी। वाई का ओल्ड शेयर था 2:6, 6:30 उसने गेन किया तो टोटल उसका न्यू शेयर आ गया 16:30। सिमिलरली जेड का न्यू शेयर निकालेंगे, जेड का ओल्ड शेयर था 1:6, 9:30 उसने गेन किया, उसको ऐड कर देंगे तो उसका हिस्सा आ जाएगा 14:30। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाई जेड की होगी 16:14, दैट इज 8:7। उसके बाद आता है गेन रेशियो। व्हेन अ पार्टनर रिटायर और डाई, जब एक पार्टनर रिटायर होता है या उसकी मृत्यु हो जाती है, देन दिस इंक्रीज द शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ रिमेनिंग पार्टनर, रिमेनिंग पार्टनर का हिस्सा बढ़ जाता है। देयरफॉर द रेशियो इन विच रिमेनिंग पार्टनर शेयर इंक्रीज, जिस रेशियो में उनका हिस्सा इंक्रीज होता है उसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। तो कैसे निकालेंगे, एग्जाम्पल देखते हैं। ए बी सी पार्टनर है एक फर्म में, लाभ हानि को 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो निकालनी है यदि ए रिटायर हो जाता है, यदि बी रिटायर हो जाता है तथा यदि सी रिटायर हो जाता है। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो रिमेनिंग पार्टनर का हिस्सा वही रहेगा। देयरफॉर टू गेन देम देयर विल बी द इन ओल्ड रेशियो, तो वो ओल्ड रेशियो में ही गेन करेंगे। तो क्या होगा, ए रिटायर हो गया, गेन रेशियो बी और सी की होगी 3:2, 4:3:2 था, ए रिटायर हो गया तो उनकी न्यू रेशियो भी 3:2 होगी और गेन रेशियो भी 3:2 होगी। बी रिटायर हो गया, द गेन रेशियो ए और सी की होगी 4:2, उनकी न्यू रेशियो भी यही होगी और गेन रेशियो भी यही होगी, तो इसको सोल्व करेंगे 2:1 आ जाएगी। सी रिटायर हो गया तो 4:3:2,
सी रिटायर हो गया तो उनकी न्यू रेशो भी 4:3 आएगी और गेन रेशो भी ए बी की 4:3 आ जाएगी, क्योंकि नई रेशो के बारे में कुछ नहीं कहा तो वो ओल्ड रेशो में ही गेन करेंगे। और एग्जांपल देखते हैं, एक्स वाई जेड पार्टनर हैं एक फॉर्म में, लाभानी को 3:1 की रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वाई रिटायर हो जाता है, एक्स और जेड फ्यूचर में प्रॉफिट लॉस को 2:1 में शेयर करेंगे, गेन रेशियो निकालनी है। तो यहां पर हमें ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, तो हमारी गेन रेशियो होती है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ये हमारी गेन रेशियो के इक्वल टू होती है। तो हम ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देंगे, सॉरी न्यू शेयर में से ओल्ड शेयर माइनस कर देंगे, तो एक्स का गेन आ जाएगा, एक्स का ओल्ड शेयर है, एक्स का न्यू शेयर है 2:3 और ओल्ड शेयर है 3:6, उसको लेस कर देंगे तो एक्स का गेन आ गया 1:6। सिमिलरली जेड का निकालेंगे, जेड का गेन, जेड का न्यू शेयर है 1:3, उसमें से ओल्ड शेयर 1:6 था, उसको लेस कर देंगे तो उसका गेन भी आ गया 1:6 और रेशियो निकालेंगे तो एक्स और जेड के बीच की आ गई 1:6:1:6, दैट इज 1:1, ये उनके बीच की गेन रेशियो होगी। इस प्रकार से हम न्यू रेशियो और गेन रेशियो को निकालेंगे। फिर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सैक्रिफाइस रेशियो एंड द गेन रेशियो, क्या दोनों में अंतर है। सैक्रिफाइस रेशियो इन विच ओल्ड पार्टनर सैक्रिफाइस ए पार्ट ऑफ प्रॉफिट इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, सैक्रिफाइस रेशियो वो है जिसमें ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर की फेवर में अपने एक हिस्से का त्याग करते हैं, अपने एक हिस्सा उसको देते हैं, उस त्याग को बोलते हैं त्याग अनुपात, सैक्रिफाइस रेशियो। जबकि गेन रेशियो वो है इन विच रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर द शेयर ऑफ रिटायर्ड और डिजीज पार्टनर, गेन रेशियो रिमेनिंग पार्टनर की बीच के हिस्से की वो रेशियो है जिसमें वो रिटायरिंग पार्टनर या मृत साझेदार के हिस्से को एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं, लेते हैं, वो रेशियो गेन रेशियो है। सैक्रिफाइस रेशियो एडमिशन के टाइम पर कैलकुलेट की जाती है, गेन रेशियो रिटायरमेंट या डेथ के समय पर कैलकुलेट की जाती है। सैक्रिफाइस रेशियो से ओल्ड पार्टनर का हिस्सा कम हो जाता है, उनका शेयर कम हो जाता है, और गेन रेशियो से रिमेनिंग पार्टनर का हिस्सा, प्रॉफिट का हिस्सा, लॉस का हिस्सा इंक्रीज हो जाता है। सैक्रिफाइस रेशियो निकालने का फार्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, जबकि गेन रेशियो निकालने का फार्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सैक्रिफाइस एंड गेन रेशियो। तो इस वीडियो में हमने क्या रिटायरमेंट या डेथ होती है पार्टनर की, कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती हैं, उनके बारे में सीखा, और कैसे हम न्यू रेशियो और गेन रेशियो को निकालते हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में सीखा। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस टाइम।